खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार किसानों को खेती प्रक्रिया में हर कदम पर सहयोग दे रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में कृषि विभाग किसानों की आय दुगना करने के लिए अलग अलग माध्यम अपना रही है, जिसकी बदौलत सूबे के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को निरंतर प्रेरित भी कर रही है और साथ ही तमाम योजनाओं का लाभ भी दे रही है, जिसका किसानों को कई गुना मुनाफा मिल रहा है, जिससे प्रदेश में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान सुरेश यादव हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव गिंदोखर में कई साल से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो साथ ही दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं 2017 से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूं और इस समय हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग की, न कि खुद कर रहे हैं बल्कि हम शिक्षित भी कर रहे हैं, मास्टर ट्रेनर भी हैं हमें रेवाड़ी जिले के। कितने किसानों को अभी तक इस तरीके की हम ऑनलाइन जो किसान जुड़ते हैं संडे को मीटिंग करते हैं उसमें हम वो करते हैं, और जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी सेमिनार लगाए जाते हैं उसमें हम किसानों के उनको हम समझाते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव ने बताया कि प्राकृतिक खेती शुरू करने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद उन्होंने फलों का बाग लगाया, जिसमें वो किन्नू, संतरा, चीकू, अमरूद, अनार और बेर जैसे फलों का उत्पादन प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। सुरेश जी, हमारे इलाके की परंपरागत खेती फसलें जो हैं वो गेहूं, सरसों या धान भी बहुत कम होता है, तो उसकी जगह आपने नेचुरल फार्मिंग को अपनाया, इसके पीछे रीज़न क्या मानते हैं, क्या कारण? देखिए, सरसों गेहूं तो हमारे यहाँ की है, धान नहीं है क्योंकि खारा पानी है। नेचुरल फार्मिंग में ये है कि एक तो शुरू में तो अब हमें थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, हमें एक तो इतने शिक्षित नहीं हुई है, हमने शुरू में अपने खुद के ही उसमें वो किया था, पिछले साल हमने प्रोवाइड की थी गुरुकुल अपने कुरुक्षेत्र उससे ट्रेनिंग, तो अब ऐसा है कि बाग ही है मेरा, इसमें मैं गोबर की खाद तक नहीं डालता, मेरा बिल्कुल 3 साल से नेचुरल है, न कोई गोबर की खाद है, न कोई स्प्रे, न जीवामृत, न घन जीवामृत है, कुछ नहीं। क्या डालते हैं आप इसमें? अब कुछ नहीं है 3 साल से, शुरू में मैं जीवामृत, घन जीवामृत और अपना ये उपड़े का हुमिक एसिड बनाकर ये डाला था। अब 3 साल से जो पत्ते गिरते हैं वही कंपोस्ट खाद हो जाते हैं। मैं इनका वैसे एक ध्यान रखता हूँ कि अच्छा धन मल्चिंग, हर एक पेड़ पर मेरे मल्चिंग मिलेगी चारों तरफ घास फूस से, या अपने मैंने धान की पूड़ी लगा मोल लेकर भी मैंने वो साथी से लेकर भी उसमें मल्चिंग की है। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में अपने परिवार के लिए फलों का बाग लगाया था, जिससे आज उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। देखने में काफी सुंदर लग रहा है आपका ये बगीचा, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर लगाई जी? मैंने मेन चीज़ ये था, मैंने कॉमर्शियल बेस ना लेकर मैंने अपने परिवार के लिए फूड फॉरेस्ट लगाया था, ताकि जब भी हम घर से आए यहाँ कुछ ना कुछ खाने को मिले, और लगभग 80% रिजल्ट तो हमें मिल रहा है। अब आप देख रहे हैं किन्नू लग रही है, किन्नू खाओ, मैं कभी भूखा नहीं जाता, सवेरे आता हूँ मैं यहाँ, कभी संतरा खाओ, अनार, मतलब जो भी सीजनेबल फल है वो लगते रहते हैं। अब जैसे बेर आ जाएंगे, ये चीज़ जाएंगे, अब संतरा ये लास्ट है पिक है इनका, किन्नू का, संतरा का, ड्रैगन फ्रूट गए अब, तो जैसे ही अब ये शुरू होगा तो फिर वो बेर आ रहे हैं, फिर अमरूद शुरू हो जाएंगे, अनार चल रहा है, अब अनार भी हैं। उन्होंने बताया कि मार्केटिंग के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके बाग से ही फलों की बिक्री हो जाती है और परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में ज्यादा मुनाफा होता है।
मार्केटिंग किस तरीके से करते हैं इनके? मार्केटिंग मेरी यहीं से हो जाती है जी, मैं कहीं नहीं ले जाता, जो अपने खाने हैं वो खा लेते हैं, बाकी यहीं से चले जाते हैं यहीं से हर साल। हाँ, जिनको एक बार खा लिया टेस्ट इतना बढ़िया लगता है वो यहीं से ले जाते हैं। देखिए, एक परंपरागत फसलों में और एक अपनी इस तरीके की बागवानी करने में, नेचुरल फार्मिंग करने में, मुनाफा किस में ज़्यादा होता था कि परंपरागत खेती में या फिर इसमें होता? देखो, मुनाफा तो इसमें ज़्यादा होता है यदि केयर करे तो। मेरे तो दो प्रॉब्लम है, एक तो पानी की प्रॉब्लम है, तो उतनी प्रोडक्शन में नहीं ले पाता, जो एक पानी की एक बैरानी इसमें है। दूसरा ये है, मैं इतना केयर भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद था अपने घर के लिए, जो बच गए वो बेच दिया, बाकी इसमें ज़्यादा बेनिफिट। अगर एक पेड़ पे एक क्विंटल आगे 50 के हिसाब से बेचते तो 5,000 के तो ही जाते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव ने बताया है कि कृषि विभाग और बागवानी विभाग की तरफ से किसानों का काफी सहयोग किया जाता है और बाग लगाने के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाती है। कृषि विभाग और बागवानी विभाग से किस प्रकार की हेल्प मिलती है? तो किसान इतना परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं से उसको मदद। देखो, सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये है कि वो 50% सब्सिडी पर बाग लगवाते हैं। जैसे 31,000 रुपये बेरी पर है और 1,30,000 के लगभग है, जैसे अमरूद अनार पर है तो उसका 50% लगभग 65,000-70,000 के लगभग। ट्रैक्टर मैंने गवर्नमेंट योजना के तहत लिया है 50% सब्सिडी पर। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है, जिससे किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और साथ ही किसानों के लिए बागवानी विभाग की ओर से समय समय पर सेमिनार भी लगाया जाता है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री की योजनाओं का किस प्रकार से प्रदेश के किसानों को लाभ मिल रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो योजना है विभाग की तरफ से, अब किसान इतने जागरूक नहीं है तो उनसे जागरूक भी कर रहे हैं, बार बार में सेमिनार करके भी कर रहे हैं, और हमारे अपने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के दोनों ही अधिकारी भी बहुत अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं, बार बार में लगाते हैं, सेमिनार लगाते हैं हर एक गांव में या 2-4 गांव में मिलाकर भी कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव ने बताया कि अगर कोई किसान परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बागवानी विभाग से संपर्क करना चाहिए और अपने खेती की मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए, जिसके बाद किसान सब्सिडी लेकर बाग लगाएं और अपनी आमदनी बढ़ाए। हमारा सबसे अहम क्वेश्चन आपके साथ ये है कि कोई नया किसान जो अभी परंपरागत खेती कर रहा है, अगर वो बागवानी करना चाहता है तो किस प्रकार, कहाँ से सहायता मिलती है इस प्रकार की? देखिए, ये आप सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर में जाइए, वहाँ मिट्टी पानी की जांच मांगते हैं, जो कंडीशन है वो मांगते हैं वो पूरी कीजिए, और उसके बाद आप 50% सब्सिडी लेकर काफ़ी किसान कर रहे हैं, हमने जागृत भी किए हैं, काफ़ी किसानों ने इसका लाभ भी उठाया है, वो करिए। और मैं दूसरी बात, एक मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खेत के बीच में नहीं करना चाहते तो मेड़ पर ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती करने वाले किसान बीज से लेकर के फसल के कटने तक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है और इसलिए किसानों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। जो रासायनिक खेती करते हैं, मैं देखता हूँ शुरू में बीज में पहला स्प्रे करेंगे कि भाई प्ले करने के बाद कुछ उगे नहीं, उसकी मार जहर की, बीज के जहर लगाया, फिर जो उग गया पीछे भी तो उसमें फिर एक स्प्रे करेंगे, फिर वो ले आएंगे टंकी में भरेंगे तो जहर, तो हम तो शुरू से ही जहर खा रहे हैं। अब मेरे गेहूं है, मैं जैसे ही खाता माँ से लेकर गे रहा था ना, जो खेत से ले आया था निकाल के, वैसे के वैसे पड़े हैं, उनमें एक डंक तक नहीं है। लोग बाग बीज के भी ले गए, मेरे बीज के बहुत ज़बरदस्त उग रहे हैं, एक डंक नहीं है इनमें। प्रगतिशील किसान सुरेश यादव ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि रासायनिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती अपनाएं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से मुक्ति पाए।
क्या सजेस्ट करेंगे अपने दूसरे किसान भाइयों के लिए, लोगों के लिए कि वो बाजार? हम तो यही सजेस्ट कर रहे हैं, हम तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं हर जगह, हम तो सेमिनार में भी यही कहते हैं भाई ए जहर ने छोड़ दो, क्यों आने वाली पीढ़ी पंगू बना रहा हो। लगभग हर आदमी टेंशन में, कैंसर में, हर तरह से ब्रेन वॉश हो रहा है, किसी का कोई पैरलाइज है, नस ब्लॉक की, जो सबकी ही दिक्कत आ रही है। तो जो हमने कर लिया वो तो कर लिया, पानी हमने बिगाड़ दिया, वायुमंडल हमने बिगाड़ दिया, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति कल हमारे साथ खिलवाड़ करेगी। ऐसा क्या किया जाए, क्या आपका सुझाव सरकार? मेरा सुझाव सबसे पहले तो किसानों से ही है, जहाँ तक भाई संभव हो अगर बड़े पेड़ ना लगाओ तो मेड़ पर अपने छोटे पेड़ लगाओ, कम से कम पक्षी खाकर वहाँ कीड़े मकोड़े जो आपके रोग आते हैं उनको तो वो नष्ट करेंगे। मेरे यहाँ पर तित्तर, खरगोश, बैया, बुलबुल सारे पक्षी यहीं रहते हैं, वो कीड़े मकोड़े ज़्यादातर खा ही लेते हैं, कुछ बचते हैं तो मैंने ट्रैप वगैरह कर रखी उनमें आ जाते हैं, तो मैं दवाई मुझे छिड़कने की जरूरत ही नहीं है। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं से किसानों को काफी लाभ हो रहा है, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है। जो सरकार ने योजनाएं लगाई हैं, चलाए रखी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और बहुत बहुत जो किसान जागरूक है वो सहायता भी ले रहे हैं, सब्जी पर बहुत कुछ ले रहे हैं, तो अच्छी स्कीम है जो इनसे डिपार्टमेंट से टच में है। हमने ग्रुप भी बना रखे हैं, ग्रुपों के माध्यम से हम डालते रहते हैं जो नई जानकारी आती रहती है। हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री और आपका मैं धन्यवाद करूंगा, जो आप भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं किसानों के हित में, धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से हैं, यही वजह है कि मुख्यमंत्री किसानों की हर समस्या को अपनी समस्या मानते हुए उनके हित में फैसले लेते हैं, तो साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर उस किसान तक पहुंचे जो पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़ा है।